Hey guys, welcome back to the channel. You watching Velle and I am in Haryana. और मैं आया हूँ गाँव. तो यहाँ पे अभी यार शाम का टाइम हो रहा है, मौसम सही हो रहा है बड़ा. तो मैंने सोचा यार मेरा मन करता है ट्रैक्टर चलाने का, क्योंकि मैंने जब मैं छोटा सा था ना, जब दिल्ली नहीं गया था तो गाँव में होता ट्रैक्टर वो चलाया था. उसके बाद से मैंने कभी ट्रैक्टर नहीं चलाया. तो आज लगभग भी 7-8 साल हो गए मैंने ट्रैक्टर नहीं चलाया. तो अभी मेरा मन कर रहा है ट्रैक्टर चलाने का, तो अभी मैं ट्रैक्टर चलाऊँगा. तो बस जो भी है देखना आप यार. तो ये ट्रैक्टर है जो कि मैं चलाने वाला हूँ. और तो ये पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है, जिससे कि किसी को समझ में नहीं आया तो ऐसा होता है, ये सब समतल ज़मीन को ऐसा बनाया जाता है इस औजार की मदद से. बैठा इसमें देखो यार, अब अलग ही मजे यार. अब मैं चलाऊंगा, आप लोग देखना. फिलहाल मैं धूल में मर जाऊंगा, तो मेरे को नहाने की जरूरत भी पड़ेगी मेरे को लग रहा है. क्या बात है. तो अभी मैं जा रहा हूँ चलाने. मज़ा आ गया ट्रैक्टर चला के. बहुत टाइम बाद. ओ भाई साहब, बहुत मज़ा आता है ट्रैक्टर चलाने का, इसका अलग मज़ा अपना. और यार एक और ट्रैक्टर बहुत पुराना, क्या खड़ा मैं दिखाता हूँ. वो तो एकदम मस्त है, पुराना, बहुत पुराना ट्रैक्टर है वो तो, मतलब हद पार पुराना, अंग्रेजों का ज़माने का कह सकते हैं उसको. मजाक कर रहा हूँ, लेकिन है वो काफ़ी पुराना है. अभी देखो आप, ये रहा वो ट्रैक्टर, अति पुराना ट्रैक्टर. नॉर्मली देखो सब जो ट्रैक्टर होते थे की से स्टार्ट होते थे, ये उस टाइम में ट्रैक्टर आता था. तो इसमें ये जो डंडा है, इससे यहाँ पर जगह होती है, उसमें घुमा के ऐसे 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 घुमा के फिर स्टार्ट करते हैं, तब जाके स्टार्ट होता है वाला. ये बहुत पुराना ट्रैक्टर है, बहुत ज़्यादा पुराना ट्रैक्टर है. तो देख लो, आप गूगल करो ना तब भी पता लग जाए आई सर कब आते थे. अभी भी आते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना, हद पार पुराना. रेड कलर का होता है ये, इसका कलर उड़ गया. तो ये देखो यहाँ पे ये भैंस गाय बंधी है. सी दिस इज ए वेरी क्यूटी पाई, यू कैन सी. और यहाँ पे ये देखो, ये चारा, तूड़ी, तूड़ी बोलते हैं इसको वैसे तो, जो भैंसों को डालते हैं, तूड़ी. तूड़ी नींद के गाय, चारा, चारा है ये, चारा. और ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये होता है, इसमें बीज डाल देते हैं ऊपर, वो ट्रे से होते हैं उसमें बीज डाल देते हैं. और नीचे है ना वो जो ऐसे, जब भी आप कल्टीवेटर में देखे उसमें तीर से होते हैं, उसमें नीचे पाइप लगी रहती है, तो साथ में खोदता जाता है, वो खुदाई से हो जाती है और उसमें बीज डालते जाते हैं. तो ऐसे बिजाई होती है इससे, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, बिजाई में बिजाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं. और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही है, जो आप महसूस नहीं कर सकते. सो आई एम डन विद द डिनर. अभी नहाने तो नहीं जा रहे, लेकिन वहाँ पर जाके थोड़ा बैठ के, और मेरी शक्ल नहीं दिख रही, लेकिन जो भी है. तो सडन चेंज इन प्लान, हम दूर नहीं जा रहे छोटे वाले, हम ये बड़ी जो नहर है उसके ऊपर खड़ा हूँ मैं, इसमें पैर लटकाए बैठ जाएंगे, क्योंकि पैर तो इसमें भी लटका सकते हैं, ये तो दिमाग में आया ही नहीं. तो यहीं बैठ जाएंगे थोड़ी देर. अभी यार दिख नहीं रही क्योंकि पूरा अंधेरा है, तो अभी और कुछ तो नहीं कर सकते. तो मैं आया हूँ थोड़ा सा पानी में, पैर लेके बैठा यहाँ पे. और पानी भाई हद से ज़्यादा ठंडा, इतनी गर्मी में मतलब ऐसा जैसे बर्फ़ का पानी होता है ना, वैसा ठंडा पानी है. और ये देखो इतना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. ये मैं लाइट, उसकी बाइक की लाइट से थोड़ा दिखा रहा हूँ. बहुत बड़ी नहर है, बहुत ज़्यादा ही लंबी नहर है. और मैं यहाँ पे किनारे में पैर पानी में पैर डाल के बैठा हूँ. और आपको ना फिलहाल तो सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी, तो आप आवाज़ ही सुना, कितनी सेटिस्फाइंग साउंड है.
कोई आवाज नहीं आ रही साइड में। पानी हद से ज्यादा ठंडा है, मतलब मेरे पैर एकदम जम गए, इतना ठंडा पानी है। लेकिन मजा बहुत आ रहा है, इतना ठंडा पानी है। वी आर बैक होम। ओह जन्नत नसीब, वाह वाह वाह। एसी चल रही है यहाँ पे, मस्त अब सो हुआ। बहुत ज़्यादा थकान है, तो बस यही था इस वीडियो में। बहुत मतलब शॉर्ट सी वीडियो, जो भी जैसी भी शॉर्ट है लंबी मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बाय बाय।